नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा PSSB के बारे में। तो PSSB के बारे में जो एक्चुअली 204 यहाँ पे देखिए फॉरेस्टर, रेंजर एंड फॉरेस्ट गार्ड, इस तीनों ट्रेड के लिए आपको अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। तो आप PSSB को रिकमेंड करना चाहते हैं तो आपके लिए इस जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा जॉब के इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस आपको मिलता रहेंगे। तो डेली आपको दो जॉब कंटिन्यू मिलता रहेंगे, एक सुबह 7 बजे और दोपहर की 1 बजे। अगर आपको जॉब का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप एक बार बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप नीचे जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जॉब कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब सार्वजनिक सर्विसेज सिलेक्शन जो बोर्ड है वो एक्चुअली पंजाब में आपको जॉब मिलेगा, तो मोहाली पंजाब में जॉब मिलेगा। और 204 जो वैकेंसीज है, जो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट रेंजर के लिए 2 पोस्ट है एंड फॉरेस्टर के लिए 2 पोस्ट है और फॉरेस्ट गार्ड के लिए 200 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर 204 पोस्ट है। तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज लिमिट जो है वो एक्चुअली, तो यहाँ पे एज लिमिट भी 18 से 30 ईयर्स और 18 से 40 ईयर्स एंड 18 से 43 ईयर्स, मतलब जनरल के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग अलग, मतलब कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज लिमिट दिया गया है। तो अभी सिलेक्शन के बारे में बात करूँ तो सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट के माध्यम से, उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से, मतलब दोनों मतलब कैटेगरीज के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं जरूर आपको बताने वाला हूँ, वो है सिलेक्शन का, सॉरी सैलरी पैकेज। तो सैलरी पैकेज अभी तक डिस्कस किया गया नहीं है, आप सिलेक्शन हो जाने के बाद ही सैलरी पैकेज डिस्कस किया जाएगा। तो एप्लीकेशन का जो फीस है वो जनरल के लिए 1000 रुपीज़, एस सी बी सी एंड EWS इसके लिए 250 रुपीज़, और यहाँ पे ESM इसके लिए आपको 200 रुपीज़ एंड फिजिकल हैंडीकैप और PWD के लिए 500 रुपीज़ पे करना होगा। तो एप्लीकेशन का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th स्टैंडर्ड आप पास आउट कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी ट्रेड के लिए। मतलब आपको 10+2 इस कैटेगरीज में आपको पास आउट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर दिखाने से पहले मैं जरूर कहूँगा, इसका लास्ट डेट देख लेना, 19 जो जून है, तो उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। और हाँ, अब आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में जाके क्लिक हियर में क्लिक करना, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक हियर में क्लिक करना, तो दोनों अलग अलग लिंक ओपन हो जाएगा। तो एक एक करके क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप वहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। साथ ही साथ मैं जरूर कहूँगा, जीके चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया, मतलब इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट जॉब लेके, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए।